नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सेंटर जो होगा कितना है सेंटर, रेडियस कितना आ रहा है 1 + 4 - 4, रेडियस तो 1 आ रही है, ठीक है 1 + 4 - 4, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन इंटर सर्कल को इंटरसेक्ट करे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो जो लाइन है मेरी, लाइन क्या है 3x + 4y - का जो डिस्टेंस होगा लाइन का वो तो रेडियस से छोटा होना चाहिए ना, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर लेस देन रेडियस, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 3, 4, 2 - 8 - k ऑन 5 लेस देन आ गया, ये 11 - k लेस देन 5, तो इसको ऐसे लिखो आप मॉड ए माइनस 11 लेस देन क्या आएगा मेरा माइनस 5 से माइनस 5 से फाइव के बीच, माइनस फाइव से फाइव के बीच आएगा, ये जाएगा मेरे पास ए माइनस 11 यानी कि माइनस फाइव से फाइव के बीच, आगे इधर लाओ 11 - 5 जाएगा 11 और 5 हो जाएगा, देखिए ए की जो वैल्यूज हैं क्या क्या हो सकती है 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 9 वैल्यूज हो जाएगी, 10th का भी ऑप्शन।